भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनारस में जिला अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने न्यूज फ्लैश और स्काई इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं अपितु विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। उनके कुशल नेतृत्व में काशी को पूरे विश्व का मॉडल बनाया जाएगा। करोड़ों के काम काशी में कराए जाना प्रस्तावित है। कॉरिडोर बनने के बाद काशी में लाखों श्रद्धालु और पर्यटक बनारस पहुंच रहे हैं, जिसके कारण व्यापार और रोजगार में भी वृद्धि हुई है। सड़कों का भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है। हमारे साथ है श्री हंसराज विश्वकर्मा, जो विधान परिषद के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के बनारस के जिलाध्यक्ष हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनारस में श्री हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। ये जो है बनारस की सीट, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में, आप उनके क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ उन्होंने दे रखी हैं। बनारस की जनता की मोदी जी के से काफ़ी अपेक्षाएं रही हैं। पिछले समय से लगातार वो यहाँ के सांसद रहे हैं, तो आप बनारस के विकास के लिए आपकी सोच, आपकी कल्पना क्या है? सबसे पहले हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष वाराणसी, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश। आप न्यूज प्लस के आप चैनल को बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। रह गया अपने वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ कंस्टिट्यूएंसी है। 2014 से 2024 तक लगातार, 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में जीते, और उनके प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से 2017 हम लोग विधानसभा जीते, 2022 भी विधानसभा जीते, जिला पंचायत जीते, नगर पंचायत जीते, नगर निगम जीते, सारे जो है जितने हमारे वो हैं सब जो है हम लोग जीतते चले आ रहे हैं। ये काशी है, देवों को देव महादेव यहाँ विराजमान है, माँ गंगा के आंचल में बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी एक काशी, एक काशी एक धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जनता का आशीर्वाद, अपने परिवार अब तो मान लिए हैं, परिवार का आशीर्वाद बराबर मिला है। जहाँ तक विकास का, तो विकास तो इतना यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो गया है कि हम लोग उसकी कितना बखान किया जाए वो कम है। 70,000 करोड़ का आज जो है पूरे बनारस के अंदर काम चल रहा है। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जो थोड़ा स्थिति गड़बड़ था, गली गुचा था, वह शानदार बनाया गया मोदी जी की प्रेरणा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से। रिंग रोड का निर्माण हुआ, TFC का निर्माण हुआ, बंदरगाह का निर्माण हुआ, सफाई का निर्माण हुआ, और अभी प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं बड़े बड़े सड़कों का, बड़े बड़े ओवर ब्रिज का। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का मैदान जमीन खरीद कर निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री का योगदान है। और भी तमाम छोटे छोटे गलियां, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ बनारस के अंदर तारों का जाल बिछा था, जिधर देखे उधर, उसको अंडरग्राउंड किया गया। अब आज जब जाएंगे आप घाटों पर तो लगेगा, नमो घाट का निर्माण देख लीजिए, जेटी का निर्माण देख लीजिए, मतलब तमाम बंदरगाह यहाँ बनाया गया। यहाँ से और हल्दी घाटी तक जो है बहुत बड़ा वो जहाज़ चलने वाला, पानी जहाज़ चल रहा है। तो निश्चित तौर पर विकास का यहाँ कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री की आशीर्वाद से, प्रेरणा से यहाँ बहुत विकास हो रहा है।
अब आगे भी विकास होगा। ये तो अपने परिवार मान लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और इसी तरह से जनता भी उनको बहुत प्यार करती है यहाँ की। काशी को हम एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में कल्पना करते हैं, तो एक विश्व स्तरीय शहर इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसका क्या मॉडल है, इसके लिए क्या कार्य योजना है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश। निश्चित तौर पर अपने पूरे भारत में काशी का एक अलग स्थान है, लेकिन अब इसको मॉडल रूप दिया जा रहा है। अच्छा सुंदर स्वच्छ काशी, सुंदर काशी का निर्माण करने का जो प्रक्रिया चल रही है, आने वाले कुछ दिनों में जब भी कोई आएगा पर्यटक जो है, लगभग 1 लाख डेली 1.5 लाख पर्यटक जो है यहाँ दर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि इसका स्वरूप बनाया जा रहा है। अभी भी बहुत अच्छा हो गया है, जो भी एक बार आता है तो लगता है कि कहाँ हम पहले जो आए थे, बाद में अब आते हैं तो लगता है कहाँ आ गए हैं। ये उनको चौनिया जाते हैं, मन के अंदर होता है कि कहाँ हम आ गए हैं, वहीं स्थान पर, लेकिन परिवर्तन इतना हो गया है कि उसी में भूल जाते हैं। टूरिस्टों की यहाँ पर देखा है कि अभी तक रिकॉर्ड देता है कि गोवा में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते थे, और इस बार का रिकॉर्ड जब देखा किसी मैगजीन में भी आया है कि गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट वाराणसी अभी आएंगे और भी आएंगे। अब इतने टूरिस्ट एकदम से बढ़ जाएंगे आना, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है? ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, जगह जगह सड़कें चौड़ीकरण हो रहा है। अभी हम लोग गंगा के उस पार जो है एक 4 लेन का निर्माण होने जा रहा है, और अभी सबसे बड़ा दुनिया का सबसे दूसरा रोपवे कैंट से लेकर बाबा विश्वनाथ तक, गिरजाघर गुदौलिया तक जो बन रहा है, ये बहुत बड़ा अनोखी है कि स्टेशन पर उतरेंगे लोग, सीधे जाएंगे गंगा जी नहाने के बाद दर्शन करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी और भी अच्छा होने जा रहा है, कई प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी जन्म से लेकर मृत्यु तक, आसमान घाट, हरिचंद घाट, हमारे मनकनका घाट, दोनों बहुत बड़ा प्रसिद्ध घाट है, जहां अंतिम यात्रा सौदाह होता है, वहां भी अच्छा निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सब हो रहा है, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहा है। हमारे डबल इंजन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक भाव है जनता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे, जनता का कैसे विकास हो, हर गरीब जनता का कैसे विकास हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उनके लिए आयुष्मान कार्ड हो, चाहे शिक्षा का व्यवस्था हो, चाहे जिस भी तरह का हो, टूरिज्म का हो, जैसा भी हो, सब गरीबों के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। काशी की सक्रिय गलियां यातायात को बेहद प्रभावित करती हैं, हम इसको किस रूप में ये कार्य योजना बना करके ठीक कर सकते हैं? अभी देखिए ये बन रहा है कुछ, तो आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ है, और कुछ काशी की जो पहचान है, कचौड़ी गली जिसको कहते हैं, काशी की जो गलियां हैं, कुछ थोड़ा बहुत पहचान काशी को रखना पड़ेगा, बाकी और अच्छा सा सब काम हो रहा है। हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।